मैं हूं आपका दोस्त दिलकश और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी पार्टनर। दोस्तों, एक न्यू प्रोजेक्ट बहुत ही जल्द फ्लोर पे आने वाली है, उसकी लॉन्चिंग होने वाली है और रियल एस्टेट के मार्केट में एक नया सौगात मिलने वाला है आप सभी को। यहाँ दोस्तों, उसी की वीडियो कैप्चरिंग करने के लिए भी हम लोग जा रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में मैं अभी हूँ जेपी सेतु पे, जेपी सेतु जस्ट मैं चढ़ा हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि जेपी सेतु रेलवे सड़क है, ब्रिज है, और इसी के पैरेलल में 180 मीटर पश्चिम में 6 लेन प्रस्तावित है, जो कि आने वाले दिन में 139W के नाम से जाना जाएगा और जाके बुद्ध सर्किट के सरिया और जो विराट रामायण मंदिर बन रही है उसको कनेक्ट करेगा। तो ये सरकार के बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और हम जेपी सेतु क्रॉस कर रहे हैं। आप देखिएगा दाएं साइड में, यहाँ पर गंगा का खूबसूरत नज़ारा है, मरीन ड्राइव की कनेक्टिविटी है और मरीन ड्राइव गोलम्बर से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है। बहुत खूबसूरत सा द गंगा विलेज के नाम से, दरवाल गंगा विलेज के नाम से ये प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रही है और बेसिक एमिनिटीज़ के साथ में सुंदर लोकेशन है, रेडी टू मूव प्रोजेक्ट होगा। और बाकी अपडेट्स वेरी सून। तो दोस्तों, मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। यहाँ देखिए, मैं जेपी सेतु पर हूँ और यहाँ पर रेलवे बांध है और रेलवे बांध के पास में देखिएगा छोटी छोटी पिलर पोजीशन है, यहीं पर बनने वाला है 6 लेन का यहाँ पर अप्रोच बनने वाला है, कनेक्ट करने वाला है इस बांध पे। और इसी के बगल में हमारा 300 बीघा का जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है द रॉयल गंगा विलेज फेज 2, ये लॉन्च होने जा रही है जस्ट बरसात के बाद में। तो दोस्तों, ये था अपडेट। दोस्तों, अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पर जेपी सेतु जैसी ख़त्म होती है, दाएँ साइड में हमारा है जलालपुर फन पार्क और ये हम पहुँच गए हैं चेक पोस्ट के पास में। और यहाँ देखिए, मिट्टी फिलिंग का काम शुरू हो गया। 6 लेन जो है, 6 लेन को यहाँ से कनेक्ट करेगी ये जो बांध, इस पर कनेक्ट करना है। और यहाँ से हम लोग चेक पोस्ट से सीधे ना जाकर यहाँ उतर जाना है सर, सीधे तो सीधे चला जाएगा बजरंग चौक के लिए, चला जाएगा आगे, चला जाएगा परमानंदपुर के लिए, जो NH जो है छपरा हाजीपुर जो NH है उस पर कनेक्ट कर जाता है। और उधर नहीं जाना, यहाँ से परमानंदपुर जो है तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर आगे है, तो पटना के सबसे नियरेस्ट लोकेशन में हम लोग हैं। चेक पोस्ट से हम लोग नीचे उतर गए हैं और दोस्तों, आप देखिए पूरी ये डेवलप एरिया आसपास में देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आप पूरी रूट शेयर करूंगा। ये दाएं साइड में जलालपुर फंड के लिए चला जाता है और हम लोग यहाँ आ गए बाएं साइड इंटर कर गए। देखिए, आप देख रहे हैं किस तरीके से काम हो रही है, मिट्टी फिलिंग काम शुरू हो गई है और यहाँ पर भी एक आइलैंड का यहाँ बनने वाला है, यहाँ पर पूरा प्रोजेक्ट होने वाला है। देखिए, यहाँ मंदिर है और आगे में है ग्लोबल स्कूल है, काफ़ी फेमस स्कूल है ये। हाँ, स्कूल यहाँ पर है, काफ़ी फेमस स्कूल है और हाँ, तो ये स्कूल पहले से है। अब देखिए, यहाँ पर एक अपार्टमेंट का अपार्टमेंट बनने जा रहा है बाएं साइड में और यहाँ पर पुलिस का जो है ना, यहाँ पर पुलिस चौकी, पुलिस स्टेशन यहाँ बनने वाली है। जलपुर फन है यहाँ पर है, ये अपार्टमेंट का पूरा कायाकल्प अपने 2-3 सालों में होने वाला, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। सामने देखिए, AG होम पहले से यहाँ काम कर रही है और ये बागीचा कहलाता है, छोटी बागीचा, और यहाँ पर AG होम पहले से काम कर रही है। और ये जो गांव है, काफ़ी समृद्ध गांव है और बहुत खूबसूरत बना हुआ है। देखिए, ये भी ये जो अपार्टमेंट वाला ये प्रोजेक्ट है, इसी कंपनी के द्वारा बनाई जा रही है और बहुत शानदार, बहुत बड़े पैमाने पर, इसका 3-3 रास्ता, एक रास्ता वहाँ इधर, एक मेन रोड पर खुलती है। दोस्तों देखिए, काफ़ी शानदार गांव है, काफ़ी डेवलप गांव है। आप तो दोस्तों, फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। ये देखिए, बस गांव 2 मिनट के अंदर पार हो जाती है और हम आ जाते हैं अपने इस फेज 1 वाले प्रोजेक्ट पे। सामने देखिए, बड़का बगीचा है, जो पेड़ काफ़ी सालों से था गिर गया है। दोस्तों, हम लोग अपने प्रोजेक्ट पर पहुँच गए हैं और तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं अपने लोकेशन पे। फेज 1 को हम लोग थोड़ा देखेंगे, एक वहाँ मैप अपने निकालिएगा। ये है बड़का बगीचा सोनपुर, हाँ बड़का बगीचा है, सोनपुर के लोकेशन में आता है, सारण डिस्ट्रिक्ट है। मरीन ड्राइव से तकरीबन 7.5 किलोमीटर यहाँ पड़ता है, जो आप हाँ 7.5 किलोमीटर पड़ता है आपका जेपी सेतु चेक पोस्ट, वहाँ से 500 मीटर, ठीक है। और गाँव आपने देखा, काफ़ी समृद्ध, आसपास पूरी ग्रीनरी है, कंप्लीट ग्रीनरी है। और जो देख रहे हैं वो बांध, वही जब बांध खत्म हो जाता है जो बताया रेलवे वाला बांध। और ये जो रोड आप जो खड़े हुए हैं, ये 40 फीट का रास्ता है वहाँ तक, अभी जो वर्तमान बना हुआ है 40 फीट रास्ता प्रस्तावित है। और ये देखिए हमारा बहुत सुंदर सा मैप, इसको समझा जाए मैम,
आप आइए हमारे लोकेशन पे, यहाँ पर आइए, आप पर आगे और आइए। देखिए हम लोग जा रहे हैं अभी, ये हो गया दो घर यहाँ पर बने हुए हैं, ये घर बना हुआ है और ये घर बना हुआ है, इसके बीच का एक रास्ता है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये जो रोड है, ये जिसमें हम लोग खड़े, ये रोड हो गया, यहाँ देखिए जो रोड खड़े हुए हैं, ये रोड पे खड़े हुए हैं, ये जो रास्ता दिख रहा है यहाँ पर आपका 19 फीट का, ये रास्ता हो गया, ये रास्ता हो गया, ठीक है। उसके जस्ट बगल में और एक और रास्ता गया है, ये वाला रास्ता, ये भी सरकारी रास्ता है। मतलब हमारा पोर्टल शुरू होता है वो पिलर से, वहाँ देना छोटा दूर लगा हुआ शुरू होता है, मतलब ये भी मेरा ही पोर्शन है। यहाँ से एंट्री गेट हो जाएगी, फिर एक सरकार एंट्री हो गई, एक रास्ता वो भी चालू रास्ता हो गया, मतलब दो दो रास्ता कनेक्ट कर जाता है, ठीक है। और वहाँ से फिर हमारा ये शुरू होता है प्रोजेक्ट। इस तरीके से यहाँ देखिएगा ये प्रोजेक्ट शुरू होगा, 20 फीट का रोड अंदर तक जाएगा। और सबसे खास बात क्या है, इसमें 1200 स्क्वायर फीट है, 2400 स्क्वायर फीट डुप्लेक्स सबकी प्लानिंग की हुई है। पार्क देंगे, ड्रेनेज देंगे, स्ट्रीट लाइट देंगे, सब कुछ देंगे, पार्क देंगे। तो दोस्तों ये है प्रोजेक्ट हमारा, ये जो चालू रास्ता है ये जाके मिल जाता है बजरंग चौक पे, ये 40 फीट का रास्ता होगा और ये पूरी आबादी बनी हुई है, पूरा डेवलप आबादी है। और ये 40 फीट का रोड से कनेक्ट कर जाता है, ये हमारा तकरीबन 19 फीट का ये रोड है, एंट्री करती है, मेन गेट होगा। और बीच में जो पोर्शन आप देख रहे हो वो भी एक सरकारी रास्ता है, वो 20 फीट का है। और वहाँ जो सामने पिलर देख रहे हो दोनों तरफ से, वहाँ से प्रोजेक्ट शुरू होता है, लाजवाब प्रोजेक्ट। और सामने आप देख रहे हैं पेड़ नज़र आ रहा होगा, वहाँ पर 40 फीट रास्ता जो सीधे जा रही है वहाँ जाकर कनेक्ट कर जाएगा, मतलब आगे 40 फीट, पीछे 40 फीट, और बीच में पूरी टाउनशिप रहेगी। और इसी से कनेक्टेड जो देख रहे हैं हमारा सामने एक बांध जो जा रहा है, रेलवे बांध, उसके जस्ट पीछे हमारा 300 बीघा का प्रोजेक्ट होगा। तो दोस्तों जो आपने देखा था ब्रिज से जो रेलवे बांध यहाँ जाकर समाप्त हो जाती है, और ये देखिए सामने आपका है जेपी सेतु, आप देख रहे हैं, और वो अश्विनी का ऑफिस है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट जो है लाजवाब लोकेशन पे है, पटना के सबसे समीप पे है, ग्रीन जोन में है दोस्तों। और ये फर्स्ट फेज जो हमारा है रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है, देखिए पीछे से मैं भी दिखा रहा हूँ आपका, ये देखिए घर बनी हुई है, और आने वाले मात्र 10 दिनों के अंदर डेवलपमेंट दिखने लगेगा आपको, धीरे धीरे लोग घर बना के रहना शुरू कर देंगे। तो आज लीजिए, कल से बनाकर शुरू रहना शुरू कर सकते हैं आप। इसके अलावा तो बिल्कुल आप हैंड टू हैंड पोजीशन आपका है, रजिस्ट्री है, कोई इफ बट वाली बात नहीं है, बहुत अच्छे रेट पे सारी चीज़ें आपको मिल रही है, कंप्लीट ग्रीन जोन है ये। और इसी से हम कनेक्ट कर जाते हैं फेज़ 1 हमारा कनेक्ट कर जाता है फेज़ 2 में, जो 300 बीघा का हमारा है। तो ये शुरुआत है, और इसको जो डेवलप करने वाली कंपनी है रॉयल सर्कल बिजनेस एंड डेवलपर हैं, और जो कि पटना की कंपनी है, और बहुत बेहतर तैयारी के साथ में मार्केट में आई है। तो दोस्तों ये थी सारी इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करता हूँ ये हमारी कोशिश आपको बेहद पसंद आई होगी। बस इसी तरीके से अपना प्रेम आशीर्वाद इसने बनाए रखिए, ताकि बेहतर से बेहतर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचाते रहें। थैंक यू सो मच।